अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबको आदाब। फैज़ मोहम्मद सिद्दीकी, स्टेट इंचार्ज तेलंगाना आंध्र प्रदेश, नेशनल कांग्रेस वर्कर्स कमेटी। नेशनल वर्कर्स कमेटी जो है, इसका मकसद है हिंदुस्तान में अमन शांति भाईचारा सब मज़हब को लेके चलना हमारा मकसद है। ये जो संगठन है, ये जो मोर्चा या एनजीओ है, ये इसका जो है कांग्रेस से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं जो है मकसद ये है कि जो है तीन मुद्दों पर बात करूँगा। आजकल जो हिंदुस्तान के हालात जो बनते जा रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खैर वो लोग उसमें कामयाब नहीं होंगे और वो लोग हिंदू राष्ट्र या जो चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता। हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन में ही उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ही उसके यहाँ कोई जगह नहीं है। तो आप लोग हिंदू राष्ट्र कैसा घोषित करते हैं? सेक्युलर कंट्री में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ता, जो नहीं हो सकता। दूसरी बात, डेवलपमेंट रहने दो, महंगाई रहने दो। जो आजकल हालात है हिंदुस्तान में, पेट्रोल डीजल की कीमत कहीं से कहीं जा रही है और औरतें जो है गैस सिलेंडर बंद करके चूल्हा फूंकने की नौबत आ रही है। तो इसके बारे में हमारे नरेंद्र मोदी साहब का क्या ख्याल है? उन्हें कुछ सोच रहे हैं पब्लिक के बारे में, गरीब आवाम के बारे में उनका क्या ख्याल है? उनके जो 8.5-9 साल जो पूरे होने को आ रहे हैं, अटर फेलियर गवर्नमेंट है ये, हर लिहाज से अटर फेलियर, किसी हाल में भी ये लोग कामयाब नहीं। तो मेरी पूरे भारत से गुजारिश है, पूरे मज़हब के लोगों से गुजारिश है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, सबसे गुजारिश है कांग्रेस के हाथ मजबूत करिए। ये जितनी अभी पार्टियां हैं, बीजेपी रहने दो या दूसरे जितने भी पार्टियां हैं, एक ज़माने में ये लोग कांग्रेस के अपोजिशन में थे। ये कांग्रेस से ही निकली हुई पार्टी है।